नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके सबसे लोकप्रिय चैनल रत्नाकर। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम तीसरा पार्ट वेशभूषा से संबंधित करने जा रहे हैं। आज वो तुला राशि, तुला लगन से लेकर मीन लगन तक के बारे में अपने विचार रखेंगे। मैं आशा करता हूँ पिछले वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका नमस्कार स्वागत। दीपक जी, नमस्कार। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है, ये सबसे पहले हमने नक्षत्रों के हिसाब से आप लोगों को बताया था कि जिस दिन नक्षत्र पड़ता है उस दिन वो वस्त्र पहनने से किस प्रकार के आपको फल मिलते हैं। सेकेंड जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने बताया कि कौन से कलर किस वार के हिसाब से पहने जाने चाहिए, और साथ में मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक के जातकों के लिए कौन से कलर शुभ रहते हैं और कौन से अशुभ या लाभदायक रहते हैं तथा हानिकारक या न्यूट्रल। आज हम तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जो लग्न हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड जो है हमारे पसंद आ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले तुला लग्न ले लेते हैं। तुला लग्न में शुक्र जो है वो लग्न का और अष्टम भाव दोनों का स्वामी है, और शुक्र का रंग सफेद है। तो सफेद वस्त्र, और विशेष रूप से यदि हम शुक्रवार के दिन पहने तो वो हमें थोड़ी चिंता देते हैं और स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी देते हैं, क्योंकि लग्न और अष्टम भाव जुड़ा हुआ है। शुक्र की यदि कुंडली में पोजीशन ठीक ठाक है तो हमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है, बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं बनती है। लेकिन यदि शुक्र की स्थिति भी लग्न में खराब है कुंडली में, तो हमें स्पष्ट रूप से उसके परिणाम दिखाई देते हैं। इसमें दूसरा लग्न, तुला लग्न वालों के लिए दूसरा आता है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड मंगल है। मंगल जो है वहां पे वृश्चिक राशि आती है, और नवम भाव में मंगल की दूसरी मेष राशि आती है। मंगल इन लोगों के लिए, या लाल रंग के वस्त्र पहनना इन लोगों के लिए लाभदायक रहता है। एक तो भाग्य भाव भी जागृत होता है, दूसरा धन भाव भी जागृत हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम इनका लाभ उठा सकते हैं लाल रंग के वस्त्र पहनकर, या ये फायदेमंद रहते हैं यदि हम मंगलवार को पहने हैं। हमारी कुंडली में विशेष रूप से मंगल अच्छी वेल प्लेस्ड है तो अच्छे परिणाम देता है लाल रंग तुला लग्न वालों के। तीसरे भाव पर जो है वो हमारे आती है धनु राशि। धनु राशि और मीन राशि जो है तीसरे और छठे भाव पर आती है तुला लग्न वालों के लिए। तो ये जो पीला रंग है ये एक तरह से न्यूट्रल है, कोई खास प्रभाव नहीं दे रहा। ज्यादा से ज्यादा आपको यात्रा करवा सकता है या किसी से बहस करवा सकता है, पीला रंग मतभेद क्रिएट करवा सकता है। बाकी ये न्यूट्रल है। उसकी पोजीशन पे यदि वो 11th हाउस में गुरु बैठा हुआ है तो वो इस तरह के कल प्रभाव भी दे सकता है कि आप अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे छठा और 11वां भाव जुड़ जाता है। गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है ये। हर लग्न में हमें देखना ही पड़ेगा कि जो लग्न में जिस जिस भाव का स्वामी वो कहाँ बैठा हुआ है, वो शुभ फलदायक है या अशुभ फलदायक भाव में बैठा हुआ है, इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। अब आ जाता है तीसरे भाव के बाद चौथे भाव पे हमारे मकर राशि आती है। मकर राशि जो है वो शनि की राशि है, तो चौथे और पांचवें भाव पे शनि की मकर राशि है। ये न्यूट्रल है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नीला रंग आपको सूट भी करेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, आप घर में आराम से सुख से रहेंगे, और जो भी आपकी हॉबी हैं या रुचियां हैं उनमें आप अपना क्रियाकलाप विशेष रूप से कर सकते। ये हमारे लिए हो गए शनि के रंग। अब इसके बाद जो है छठे भाव पे मीन राशि का हमने देख लिया। सातवें भाव पे जो है मेष राशि आती है। मेष राशि जो मैंने आपको मंगल का बताया, मंगल इनके लिए नवे भाव का स्वामी नहीं होता है, सॉरी सेकेंड हाउस और सप्तम भाव, और सप्तम भाव विवाह का भी है सूचक, पार्टनर का भी सूचक है। इन सब का सूचक होते हुए भी शादी और विवाह से संबंधित जो गुण हैं हमारे या जो योग हैं उनमें अच्छे लाभ देता है, इस तरह से हम इसको देखेंगे। अष्टम भाव का हमने देख लिया कि वहां पर शुक्र की राशि है, वृषभ राशि। नवम भाव में हम देखते हैं कि बुध की राशि मिथुन है। नवम भाव और 12वें भाव में बुध की राशि मिथुन है। तो बुध जो है यदि हम हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं या बुधवार के दिन, और बुध भी ऐसा है तो हरा रंग जो है हमें लंबी यात्राएं करवा सकता है।
हमारे लिए फरमान आ सकता है, या ऑफिस से हम लोग तो आपको लंबी यात्रा पर जाना है, यहाँ तक कि विदेश यात्राएं भी संभव है, बुद्ध की दशा अंतर दशा, और विशेष रूप से हरा रंग भी उसमें सहायक सिद्ध होता है। यदि आपको किसी से बातचीत करने के लिए जाना है कि मेरा वीजा कब लगेगा, या मैं लंबी यात्रा कब जाऊंगा, या फॉरेन में, तो अगर बुधवार के दिन आप जा रहे हैं तो आप हरे रंग का वस्त्र पहनकर जा सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद। इसके बाद अब दशम भाव में आ जाती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, ये इनके कर्म स्थान का स्वामी है, और इनके लिए क्रीम रंग, ऑफ व्हाइट रंग बहुत फायदेमंद रहते हैं। दशम भाव से जुड़े हुए हैं, चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, चंद्रमा की स्थिति के अनुसार बहुत अच्छे फल देने में सक्षम। 11th हाउस पर जो है वो कुंभ सिंह राशि आती है, जो सूर्य की राशि है। ऑरेंज कलर के वस्त्र आपके लिए हर तरह से लाभदायक, हर तरह से लाभ देने वाले हैं, और विशेष रूप से आप रविवार को पहनेंगे तो आपको खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और आपकी मन मन चाही इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। ये तुला राशि का। अब हम आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में लग्न जो है वृश्चिक है, और उसका स्वामी जो है दूसरा, दूसरी राशि का स्वामी जो है मंगल है, और वो छठे भाव में है, मेष। तो लाल रंग जो है वृश्चिक लग्न वालों के लिए फेवरेट रंग रहते हैं, अच्छे रहते हैं, सफलता भी मिलती है, कुछ मतभेद भी होता है, और विशेष रूप से मंगल की दशा अंतर दशा, या मंगल के मंगलवार के दिन। दूसरे नंबर पे आता है धनु राशि। धनु राशि जो है और उसकी गुरु की दूसरी राशि जो है वो पंचम भाव में, तो पीले रंग के वस्त्र पहनना, धनेश और पंचमेश दोनों भावों का स्वामी होकर गुरु हमें अच्छे रिजल्ट देता है, आपकी मनचाही इच्छाएं पूरी करता है, आपकी अभिलाषाएं जो पंचम भाव से जुड़ी रहती हैं, और धन प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध। तीसरे भाव में आती है मकर राशि, और चौथे भाव में आती है कुंभ राशि। ये भी शनि भी एक तरह से हम न्यूट्रल कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, नीले रंग भी कोई नुकसान भी नहीं करते और कोई हानि भी नहीं पहुंचाते, आपको छोटी मोटी यात्रा में सहायक सिद्ध होते हैं, और घर के क्रियाकलापों में विशेष रूप से सहायक सिद्ध। तो शुक्र की ये दोनों राशियां सप्तम और द्वादश भाव पर, तो सफेद रंग इनके लिए अच्छा तो रहता है लेकिन खर्चा करवाने में सहायक सिद्ध होता है। बाकी सप्तम भाव के फल वो किसी से मिलना जुलना, किसी पार्टनर से बातचीत करना, उन सब में सही रिजल्ट देता है, और 12वें भाव से खर्चे भी करवाता है। वो शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। पहले भी कहा कि ग्रह की स्थिति अवश्य देख लें कुंडली में, कुछ कुछ ग्रह की स्थिति जो है उसके रंग के कलर्स के कपड़ों को सुधार देते हैं। अब आ जाता है हमारे अष्टम भाव। अष्टम भाव में मिथुन राशि आ जाती है, और मिथुन राशि जहाँ तीसरे भाव पर है तो इसकी कन्या राशि एकादश जो बुध है अचानक ही आपको धन लाभ देने में सक्षम है। तो हरा रंग जो है बुधवार के दिन यदि बुध वेल पॉजिटेड है तो हमें अचानक लाभ देता है, हालांकि चिंता भी देता है। अष्टम भाव चिंता का भी कारक है, तो चिंता भी वो देगा लेकिन लाभ भी देने में वो सक्षम है। हम अभी इस चीज पे चर्चा नहीं कर रहे हैं आगे, हम केवल उनके ग्रहों के रंग ही देख रहे हैं, लेकिन कई ग्रह जो इन ग्रहों के नक्षत्र में होते हैं, जैसे बुध के ही नक्षत्र में कोई अन्य ग्रह है, तो वो भी जो है बुधवार के दिन या जिस दिन बुध का नक्षत्र पड़ता है उस दिन आपको लाभ दे देने में सक्षम है जो ग्रह बुध के नक्षत्र, चिंता अवश्य करवाएगा लेकिन लाभ भी दे दे। अब आता है हमारा नवा भाव। नवा भाव पे कर्क राशि है, कर्क राशि जो है चंद्रमा है उसका स्वामी, तो भाग्य भाग्य वृद्धि में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि वो किसी अन्य भाव का स्वामी नहीं है, एक ही भाव का स्वामी। उच्च शिक्षा में सहायक होता है और भी लंबी यात्रा में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार के हम क्रीम ऑफ व्हाइट के कलर्स के जो वस्त्र रहते हैं ये हमें उच्च अध्ययन के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, और पढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। उनको पहनकर हमको मन करता है कि हम और पढ़ें और पढ़ाई करें, इस तरह का संदर्भ आता है। 10th हाउस पे सूर्य है, तो सूर्य के जो रंग है ऑरेंज कलर के कपड़े, ऑरेंज कलर के वस्त्र, ये तो आपको हमेशा ही सहायक सिद्ध, हमेशा ही सूर्य हमेशा के लिए अच्छा है, और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है इस रंग के वस्त्र पहनना, ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनना, और आपको जोश भी भरता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। 11वां भाव हो गया कन्या राशि का, और 12वां भाव, तो ये हमारे वृश्चिक लग्न के हिसाब से जो विभिन्न रंग थे कुल मिलाकर उनके ये परिणाम हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए वैसे
अधिकांश तक कोई भी कलर पूरी तरह से बुरा नहीं है, 50-50% कुछ रिजल्ट दे रहे हैं, जैसे शुक्र है भाई, तृतीय अष्टमेश और लाभेश हो गया तो वो भी अच्छा हो गया एक तरह से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वृश्चिक लग्न वालों को कुछ ग्रह जो है अच्छे फल देते हैं और कुछ आधे अच्छे देते हैं, लेकिन नुकसान कोई खास पहुंचाता नहीं है, क्योंकि एक भाव उन्होंने अच्छा ले रखा है, एक खराब। लग्नेश ने लग्न ले रखी है छठे भी, थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी से परेशानियां आती हैं मंगल लाल रंग से, लेकिन वो ठीक भी हो जाती हैं, ये गंभीर समस्या है। अब आ जाती है धनु लग्न। धनु लग्न वालों के लिए जो तो केंद्र स्थान है उनमें बुध और गुरु ये दो ही ग्रह हैं, है ना, तो ये दोनों रंग जो है हरा और पीला, ये तो दोनों इनके लिए काफी सहायक सिद्ध होते ही हैं और अच्छे हैं, फायदेमंद है, बशर्ते कि वो वेल पॉजिटेड हों और अच्छे ग्रहों के नक्षत्र में, शुभ ग्रहों के जो हमारे कुंडली के लाभदायक भाव हैं। सेकेंड हाउस में मकर राशि आती है और थर्ड हाउस में कुंभ राशि, तो शनि भी इनके लिए न्यूट्रल हो जाता है धनु लग्न वाला। ठीक है, धन प्रदाता है, यात्राएं देता है छोटी छोटी, तो हम नीले रंग का प्रयोग इस रूप में भी कर सकते हैं, धन प्राप्ति और छोटी यात्राओं के को लेकर। इसके बाद पंचम भाव में हमारी मेष राशि आती है, मंगल जो है पंचम और द्वादश भाव का एक तरह से मिक्स, ये भी मिक्स रिजल्ट्स दे रहा है आपको। पंचम अच्छे आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी हॉबीज का कारक है, और द्वादश भाव आपका खर्चा करवा रहा है। तो लाल रंग के वस्त्र जो आपकी इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, जो आप चाहते हैं पूरी करना, उन पे खर्चा करने का काम करता है पंचम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी मकर। छठे भाव पे जो आ जाती है हमारी, एक छठे भाव पर है तो दूसरी 11वें भाव पर है तुला राशि। तो शुक्र, शुक्र जो है आपके किसी भी अटेम्प्ट को सफल होने में सिद्ध करता है, किसी भी तरह की प्रतियोगिता हुई, चुनाव हुआ या कोई कंपटीशन हुआ उसमें सफलता प्राप्त करता है, तो सफेद रंग आपके लिए इस तरह से सहायक लाभ प्रदाता है। छठा छठा और 11वां भाव जहां मिल जाता है हमें लाभ देता है। अब इसके बाद अब हम आ जाते हैं अष्टम भाव। सप्तम भाव पे तो मैं बुध की मिथुन राशि है, तो बुध और गुरु तो हमने कह ही दिया कि दोनों पीले रंग और हरे रंग दोनों लाभदायक हैं, सुखदायक हैं, स्वास्थ्यदायक हैं, पारिवारिक जीवन बढ़ाने वाले हैं और कर्म विशेष में आपके जॉब में भी फायदा कर। अष्टम भाव पे चंद्रमा की राशि कर्क, तो ये चंद्रमा की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी नहीं होती लग्न पर हो, तो ये क्रीम रंग के वस्त्र पहनने से व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता, वैसे ही वो चिंतित रहता है, सोचता रहता है, और अगर हम क्रीम रंग के वस्त्र पहन लेंगे तो उस दिन और ज्यादा चिंताएं हमारे आगे पीछे घूमती हैं, एक न एक चिंता, एक न एक परेशानी आ जाती है जिसके कारण हमें और चिंता होती है, तो हमें क्रीम रंग के वस्त्र अवॉइड करने चाहिए धनु लग्न के व्यक्तियों को विशेष रूप से, क्योंकि एक एक ही राशि के स्वामी है ना ये, तो ये अच्छे चंद्रमा की स्थिति अगर और खराब होती है तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। चंद्रमा अगर कुछ हद तक थोड़ा सा ठीक है तो वो मिश्रित फल देगा। नवम भाव पे आ जाती है आपकी सूर्य की सिंह राशि, ये भी आपके लिए अच्छा है, ऑरेंज कलर बहुत है, भाग्य भाव को बढ़ाने वाला है, हर अटेम्प्ट में उच्च शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑरेंज कलर के वस्त्रों का प्रयोग करें, उससे आपको फायदा होगा और अच्छे फल मिलेंगे। अब 11वें भाव का हमने देख ही लिया है शुक्र है और 12वें भाव का मंगल है। अब आ जाती है मकर लग्न। मकर लग्न के बारे में यदि हम देखना चाहते हैं तो मकर लग्न का ऐसा है कि लग्नेश और धनेश ये दोनों जो हैं ये शनि के हैं, तो शनि का नीला रंग इनके लिए लाभदायक है। मकर राशि लग्न पे है, सेकेंड हाउस पे कुंभ राशि, धन प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए नीला रंग इनके लिए तो फेवरेबल है। तीसरे भाव पे इनके आ जाती है मीन राशि, है ना, तीसरे भाव पे मीन राशि आती है, और उसके बाद इनके गुरु जो है तीसरे भाव का स्वामी है, और धनु राशि जो है वो 12वें भाव पर है, तो गुरु जो है इनका तीसरे और 12वें भाव का स्वामी। पीले रंग का वस्त्र जो है, पीला रंग इनको बहुत भटकाता है, ट्रैवल करवाता है, इधर उधर जाने को मजबूर करता है, जिस दिन पीला रंग पहन लिया, और विशेष रूप से अगर गुरु है और वेल पॉजिटेड नहीं है तो और ज्यादा परेशानी हो जाती, ये इसकी स्थिति रहती। अब चौथे भाव पे जो आ जाती है इनकी मीन राशि के बाद मेष राशि, मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है, मंगल जो है चौथे भाव का स्वामी है और 11वें भाव का, लाल रंग इनके लिए बहुत फेवरेबल है,
शुभ है, और लाल रंग इनको हिम्मत भी देता है, वीरता भी देता है, साहस भी देता है, क्योंकि शनि प्रधान होने से थोड़े से दब्बू या डरपोक होते हैं, लेकिन मंगल लाल रंग के वस्त्र इनको हिम्मत, चौथे और ग्यारहवें भाव का स्वामी, और घर परिवार से जुड़े हुए लाभ भी देते हैं। पंचम भाव पे इनके आ जाती है शुक्र की जो राशियां हैं वृषभ और तुला, ये दोनों इनके लिए राजयोग कारक का काम करते हैं, पंचम और दशम भाव से जुड़े हुए, और इसलिए सफेद रंग के वस्त्र पहनना इनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध। एक्चुअली मकर लग्न वालों के लिए लाल और सफेद ये दोनों रंग बहुत फेवरेबल हैं, इन दोनों रंगों के वस्त्र इनको खूब यूज करने चाहिए, लाभ देते हैं, क्योंकि दोनों ही अच्छे भावों से जुड़े हुए हैं। यहाँ इधर मंगल चौथे और ग्यारहवें भाव से, तो शुक्र जो है पांचवें और दसवें, वो व्यापार में सहायक है, बिजनेस में या कुछ नौकरी करते हैं उसके लिए सफेद रंग के वस्त्र, कोई आपका इंटरव्यू है उसमें आप पहन के जाएं, आपको लाभ। इसके बाद आ जाती है छठे भाव पर मिथुन राशि। मिथुन राशि जो है कन्या राशि जो है नवम भाव पर स्थित है, तो ये जो बुध का हरा रंग है ये इनके लिए न्यूट्रल है, कोई ऐसी ना कोई अच्छा करता है ना कोई बुरा करता है, थोड़ा सा भाग्योदय करवाता है या भाग्य को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है, और बाकी कुछ नहीं। हरा रंग एक तरह से हम इसको न्यूट्रल कह सकते हैं, कोई खास उसका ना तो बेनिफिट है ना उसका नुकसान। सातवें भाव पर इनके आती है चंद्रमा की कर्क राशि, ये जीवन साथी के लिए या पार्टनर के लिए सहायक है, तो ऑफ व्हाइट कलर्स इस चीजों में सहायक रहते हैं, या तो शादी ब्याह का मामला हो या किसी के साथ पार्टनरशिप करनी। इसके बाद अष्टम भाव में आ जाती है इनके सिंह राशि, इनके लिए ऑरेंज कलर के वस्त्र जो हैं या सूर्य के से जुड़े हुए जो भी हैं वो सब चीजें इनके लिए चिंताजनक कही। अक्सर देखा भी गया है कि रविवार हो और ऑरेंज कलर के वस्त्र ये लोग पहनते हैं तो इनके लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत ही इनकी चिंताओं को बढ़ा देते हैं, तो ये अवॉइड किया जाना चाहिए। अक्सर देखा गया, मैंने कई कुंडलियों में देखा भी है कि मकर लग्न के लोगों को कई बार अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तो हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत जल्दी रहती है, भाव असुमी सूर्य हो जाता है, वैसे भी कमजोर हो गया। इसके बाद अभी ये मकर लग्न के बाद हमारी कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न को अगर हम देखें तो कुंभ लग्न के लिए शनि जो है लग्नेश भी है और द्वादश भाव का स्वामी है, तो मिले जुले फल दे रहा है, द्वादश और लग्न मिक्स रिजल्ट, खर्चा भी करवा रहा है लग्न, थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ी परेशानी कभी कभी खड़ी करता है, थोड़ा डल बनाता है, थोड़ा लेजी बनाता है नीले रंग के प्रयोग करने से और नीले रंग के वस्त्र। इसके बाद आ जाता है गुरु के सेकेंड हाउस और इलेवेंथ हाउस। अब गुरु जो है इनके लिए बहुत अच्छा है, धनदायक भी है लाभदायक, तो ये हम कह सकते हैं कि पीला रंग इनके लिए बहुत अच्छा है, जो गुरु का रंग है हल्का नींबू जैसा, तो वो अगर ये पहनते हैं तो बहुत फायदेमंद। इसके बाद तीसरा आता है इनके लिए मेष राशि जो है तीसरे भाव पे रहती है और वृश्चिक राशि जो है दशम भाव, तो मंगल का लाल वस्त्र भी इनके लिए बहुत अच्छा, और इससे भी इनको लाल रंग से भी काफी हिम्मत जोश काम करने की इच्छा पैदा होना ये काफी पैदा। फिर चौथे भाव पे इनके वृषभ राशि आती है और नवे भाव पे तुला राशि, तो ये जो सफेद रंग है ये भी इनके लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि ये भी राज योग कारक है एक तरह से, व्हाइट एंड रेड दोनों इनके लिए बहुत अच्छे हैं, शुक्रवार भी अच्छा है इनके लिए जिसमें ये सफलता हासिल करते हैं, और माता पिता दोनों का इनको समान रूप से जो स्नेह प्यार है वो मिलने में सहायक सिद्ध है। पंचम भाव पे इनके बुध की राशि आ जाती है मिथुन राशि, और वही राशि जो है अष्टम भाव पर भी रहती है कन्या राशि बुध की, तो हरे रंग का प्रयोग इनके लिए लाभदायक नहीं रहता है, इनके जीवन साथी के लिए या तो लाभदायक रहता है या फिर इनके दूसरे पार्टनर या जिनसे इंटरेक्ट करते हैं उनके लिए, तो हरे रंग का प्रयोग इनको कम से कम करना चाहिए। अब आती है इनकी छठे भाव पे कर्क राशि है, ये भी थोड़े से बढ़ाने का काम करती है मतभेद वगैरह, चंद्रमा का ऑफ व्हाइट कलर्स ये सब, और थोड़ा सा मन में वैमनस्य या इस तरह की संभावनाएं बना। सप्तम भाव पे इनके सिंह राशि आ जाती है जो जीवन साथी की ऑरेंज कलर लाइफ पार्टनर, सूर्य की स्थिति अच्छी होने से उनके जीवन में जीवन साथी और ऑरेंज कलर यूज करने से लाइफ पार्टनर के साथ इनके संबंध अच्छे बने, यदि सूर्य की स्थिति में थोड़ी गड़बड़ है तो इनको ऑरेंज कलर कम यूज करने चाहिए, अगर छठे में ही बैठ गया मान लीजिए वो अच्छा नहीं। इसके बाद हो गया छठ
अष्टम भाव में इनके आ गया, कन्या राशि आई गई, नवम भाव में आ गया, तो मेरे हिसाब से कुंभ लग्न का भी ये इस तरह से पूरा समाप्त हो गया। अब आ जाती है मीन लग्न। मीन लग्न में भी जैसा कि हमने कहा कि केंद्र के चारों भाव बुध और गुरु से संचालित, इनके जो गुरु है वो सब दशमेश और लग्नेश है, गुरु के पीले रंग वस्त्र इनके लिए बहुत ही अच्छे फायदेमंद काफी, क्योंकि हेल्थ भी बनाते हैं और उनके कैरियर में भी उनको सहायक सिद्ध होते हैं, अच्छा कैरियर देते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं पीला रंग। और हरा रंग जो है जीवन साथी दिलवाने में मदद करते हैं, शादी ब्याह का फैमिली लाइफ अच्छी करते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ते हैं। तो ये गुरु और बुध तो हो गया, अब हम आ जाते हैं सेकेंड हाउस पर मीन लग्न के लिए। तो वहां पर मंगल है, मीन लग्न वालों के लिए मंगल जो है धनेश और भाग्येश है, भाग्येश है, तो ये जो है ये इनको अच्छे फल प्रदान करता है। लाल रंग के वस्त्र पहनने से धन भी का भी लाभ होता है और भाग्य भी साथ देता है, ये बहुत ही अच्छा है इनके लिए। तीसरे भाव पर इनके आ जाती है मेष राशि, सॉरी वृषभ राशि, और वृषभ राशि की जो दूसरी राशि है वो इनके अष्टम भाव पर है, तुला राशि जी, क्योंकि सप्तम भाव पे कन्या राशि है, तो शुक्र सफेद रंग इनके लिए सुटेबल नहीं है। सफेद रंग इनको चिंता भी देता है, यात्राओं से भी चिंता देता है, ये अपने जो जान पहचान वाले हैं वो कुछ कुछ इनको चिंता दे सकते हैं, पहचान वाले, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं, पहचान, इस तरह से हम इसको देखते हैं। शुक्र के बाद, शुक्र की राशि ये हो गई वृषभ, वृषभ के बाद चौथे भाव पे तो मिथुन राशि आ जाएगी, पंचम भाव पे कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और उसके ऑफ व्हाइट कलर्स के कपड़े उनके लिए अच्छे सूटेबल रहते हैं, इनकी पसंद के भी रहते हैं, इनको अच्छे भी लगते हैं और कोई नुकसान नहीं करते रहते हैं। इसके अलावा छठे भाव पे इनके सूर्य की सिंह राशि, तो ऑरेंज कलर के कपड़े जो पहनने से इनको बीच बीच में परेशानियां होती हैं, विरोध का सामना करना पड़ता है, और ये इनका भी स्वभाव उस दिन थोड़ा सा उग्र सा रहता है, तो ये भी कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं रहना चाहते। इस तरह से हमने देखा, अब इनके दशम भाव तक तो हो गया, क्योंकि दशम भाव पे इनके धनु राशि, अब दश एकादश और द्वादश भाव पर इनके शनि की राशि मकर और कुंभ, तो शनि इनके लिए मिक्स रिजल्ट्स देता है और एक तरह से उनको न्यूट्रल रहता है, लाभ भी पहुंचाता है, खर्चा भी करवाता है, मतभेद भी प्रदान करता है, दोस्ती भी देता है, तो मिले जुले परिणाम तो नीले रंग का वस्त्र कर प्रयोग कर सकते हैं आराम से, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा आप देख लें कि शनि की स्थिति कहाँ, इस तरह से हम देख सकते हैं। और सभी लग्न के बारे में मैंने जो ये बताया, आप लोग जांच लें कुंडली में ग्रह की स्थिति और उसके रंग के आधार पर यदि आप प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे या देखेंगे, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, सही आएगा। बहुत बढ़िया। आशा है कि तीनों वीडियोस को सभी जने बार बार देखें और अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों को सही तरीके से पॉजिटिवली रिजल्ट निकालने के लिए उसमें सही रंगों का उपयोग करें। इसमें मैं साथ में आपको एक सुझाव और दूंगा, अगर अच्छे प्लैनेट की प्लेसमेंट खराब है तो उसको भी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, ज्यादा ना पहले। तो ये दोनों हाँ चीजों को देखना है, बिल्कुल आपके सही कहा फेवरेबल आपने, कलर्स। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई प्लैनेट आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसकी अगर पोजीशन छठे आठवें बारहवें है, पोजीशन ठीक नहीं है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, या वो किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो छठे आठवें या बारहवें से जुड़ा है, तो उसको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, बल्कि और विपरीत परिणाम मिलेंगे। तो ऐसे फेवरेबल रिजल्ट्स लेने के लिए आपको लकी कलर्स के साथ साथ उनकी पोजीशंस को भी देख लेने से आपको लाभ होगा। आशा है ये वीडियो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा और कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं, आप किसी भी एक सर्विस के लिए उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।